नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महत्व जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उन सभी टेंथ के स्टूडेंट्स को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि मैंने कुछ टाइम के लिए आपके लिए बहुत सी मेहनत की है, जो आज इस वीडियो शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि आने वाले 2020 के एग्जाम में ये गोल्डन चार्म आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल करूंगा और शुरुआत करूंगा एक लाइन से कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, तो उसने कहा कि भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, अब तक आपने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी मेहनत, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं मिला। मिला भी तो एक्सपेक्टेशन से बहुत लो रहा। कई बार आपने बहुत हार्ड वर्क किया, दिन के 5-5 घंटे जो आपके हाफ ईयरलीज थे उसमें किए, प्री बोर्ड आने वाले हैं उसमें करेंगे, लेकिन आज मैं गारंटी देता हूं, अगर ये वीडियो आपने शुरू से एंड तक देख ली और जो दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, स्ट्रैटेजी और दूसरा वो बुक्स जहां से वो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ये गारंटी देता हूं, क्योंकि हर बार मेरी लास्ट ईयर की भी केस स्टडी रही और इस बार की भी 90% मार्क्स आपके जरूर आएंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख। 19 सितंबर को CBSE ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बहुत सारे चेंजेस थे, लेकिन इसको उसने ज्यादा जोरों शोरों से नहीं बताया, अपनी एक वेबसाइट पर डाल दी। इससे क्या हुआ कि कई ट्यूशन टीचर्स को, क्योंकि हम यूजली कहां पे डिपेंडेंट है, ट्यूशन टीचर्स के पास, क्योंकि हमें स्कूल से उतना मतलब होता नहीं एग्जामिनेशन के एंड टाइम में, लेकिन इस बार ट्यूशन टीचरों को भी वो चेंजेस नहीं मालूम है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, सोशल स्टडी हो, इन सब में जो जो मेजर चेंज हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेजर चेंज हुए हैं, वो आप सबको नहीं पता है। तो सबसे पहली चीज़, पेपर का पैटर्न, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या आएगा और क्या नहीं। वो कहते हैं ना कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल सिर्फ साइंस की, तो साइंस में इस बार उन्होंने एशरेशन रीजनिंग क्वेश्चंस, जो कि पहले नहीं थे, अब इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन जो कि अलग अलग बेस्ड पे पूछे जाते हैं। टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। सभी में ये चेंजेस, मेजर चेंजेस हैं जो कि चेंजेस हुए हैं, जो कि स्कूल के टीचरों को भी ये बात नहीं मालूम चली है। फिर मैंने सोचा यार, इसके लिए बच्चों को मैं क्या रिकमेंड करूँ। तकरीबन मार्केट से मैंने तकरीबन 10 से 12 पब्लिशिंग हाउस के बुक लिए, स्टडी करा, क्योंकि टेंथ के काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, क्योंकि आपको पता हो एज यू नो कि काफ़ी एजुकेशन से रिलेटेड 10 साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे टीचर्स से मैं तकरीबन लास्ट के 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। CBSE के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक्सपर्ट्स ने जब मैंने बैठा उनके साथ सैंपल पेपर लिखे कि मैं अपने बच्चों को क्या रिकमेंड करूं, तो आप बिलीव रहेंगे कि उन 10, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट जो 2020 में क्या आने वाला है वही देख रहा हूं, नहीं। तब मुझे एक बुक मिली, मैं आपके सामने रेकमेंड करना चाहूंगा। मेरे पास इंग्लिश का है, मैंने हिंदी का पढ़ा, मैंने हिंदी बीवी देखा, फिर साइंस का आ गया, फिर मैथ्स, काफी चेंजेस मुझे दिखे, वो सारे चेंजेस मुझे इस बुक में मुझे कहीं ना कहीं दिखे। इसकी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस बुक की, सबसे पहली चीज कि जो CBSE के 2019 के टॉपर रहे हैं, उन्होंने CBSE का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किया। देखिए, समझने वाली बात है दोस्तों। सबसे पहली चीज ये समझना है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते हैं पेपर में पूरे कंप्लीट आंसर सही से लिख के आते हैं, लेकिन फिर भी नंबर्स 3 में से 2 नंबर मिल रहे हैं, 6 में से 4.5 नंबर मिल रहे हैं, 1.5 मार्क्स कट गए। क्यों कट गए? वो था सिस्टमैटिक तरीके से आंसर को लिखना, एग्जैक्ट जितना चाहिए उतना लिखना, एडिक्वेट आंसर चाहिए टीचर्स को। वो आपको कौन बता सकता है अप्रोप्रिएट वे में? वो बता सकता है लास्ट ईयर का टॉपर जिसके 100 में से 99 मार्क्स आए हैं। उन बच्चों की यहां पर अगर मैं देख पा रहा हूं, उन स्टूडेंट ने तकरीबन 1-2 नहीं वहां पर जाके 14 सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन वहां पर अवेलेबल है, जिससे आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से आपको पेपर करना है वहां पे। साथ में कई मैंने इसमें बहुत नई चीज देखी। नई चीज ये थी कि जो अभी रिसेंटली CBSE ने जो सैंपल पेपर आप सबके लिए लॉन्च किया दिया आपको, उसके पेपर्स तो हैं ही, साथ में उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। जब सॉल्यूशन अपने पास अवेलेबल रहेगा तो कितनी बेस्ट पार्ट है कि एग्जैक्ट ये जो पिक्चर वाइज अब इस बार आने वाला है क्वेश्चंस, वो सब सॉल्व वहां पे दिखेगा आपको। उसी पैटर्न वे में अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आप वो चीज अचीव कर पाएंगे जो आपने टारगेट बनाया था और जो अब तक आप एग्जामिनेशन में अचीव नहीं कर।
तो साथ में जब मैंने इस सैंपल पेपर को कई एक्सपर्ट्स जो सीबीएसई के पेपर्स कई बार यू नो सारी चीज़ों में चेक करते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, जब मैंने उन्हें दिखाया तो वो कह रहे हैं इसमें तो काफ़ी रिसर्च है, इसमें तो सारी चीज़ें एडुकेट हैं, जो जिस पैटर्न पे सीबीएसई ने बोला है कि इस पैटर्न पे पेपर आएंगे एग्जैक्ट सेम चीज़ें हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, पता नहीं क्या है इस पब्लिशर की बुक में, अमेजोन पे आती है, खूब बिकती है, लेकिन कुछ ही देर में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा लगता है जैसे सारे बच्चे मन में सोच रहे हो कि भाई बुक ले और 90 आ जाए। देखिए बुक तो लेनी है आपको, लेकिन 90 तभी आएंगे जब इस बुक के हर कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये बात भी राइट है दोस्तों। तो इस चीज पे आपको अमल करना है। और साथ में मैं आपको बताता हूं इनका नेम जो है एडुकार्ट पब्लिकेशन, ये क्यों बेस्ट है। जब मैंने इन पे रिसर्च किया तो पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए बुक बनाते हैं, ये 11th 12th के लिए नहीं बनाते। तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो फोकस है वो एक स्ट्रीम पे ही एक जगह पे टिका हुआ है, वो है 10th के स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स दिलाना। और साथ में इनके पास अगर जब आप देखेंगे इनके बुक्स में सैंपल पेपर में, वो सारे क्वेश्चन का एक पूरा बैंक है जो सीबीएसई के पास होता है, अदर पब्लिकेशन हाउस के पास नहीं होता। किस तरीके से पेपर बनाया जाए, किस तरीके से सैंपल पेपर्स के पेपर बनाए जाएं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस अपने सीबीएसई में आए। तो आपको यहाँ पे समझना है दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पब्लिकेशन हाउस जो कहीं ना कहीं एक चीज़ पर काम कर रहे हो, ऑब्वियसली वो चीज़ें ज़्यादा काम करती है। कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने एक जगह पर लगा दिया तो वहाँ पर आग लग जाती है दोस्तों। तो अब ये आग आपको लगानी, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जाइए इस बुक से प्रिपरेशन करिए। जब बोर्ड का पेपर 2020 का देखेंगे ना तो ये फील नहीं आएगा कि अरे ये क्या आ गया, आपको लगेगा अरे ये तो वही 14 सैंपल पेपर्स हैं जो मैं अब तक करते हुए आया हूँ, ये 15वां सैंपल पेपर है, चल भाई लगे हाथ इसको भी निपटा लेता। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके इस बुक को खरीद सकते हैं और उससे अपने प्रिपरेशन करके 90-95 मार्क्स लेके, और मुझे जिस दिन मार्क्स आ जाए इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना दोस्तों, उस दिन मेरे दिल को सुकून मिलेगा कि थोड़ी बहुत रिसर्च जो मैंने 15 दिन लगाए आपके पीछे कि कौन सा सैंपल पेपर क्यों किया, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे कह रहे थे सर मैं 10th में हूँ, उस बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूँ, कौन सा सैंपल पेपर लूँ ये समझ नहीं आ रहा। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की, मैंने कहा बच्चों को गलत गाइडेंस नहीं, एक सही चीज़ दूँ, मजबूती से दूँ, जिसे पढ़ने के बाद उनके मार्क्स एडिक्यूट आए जितने उन्होंने मेहनत की है। तो आपकी मेहनत आफ्टर ऑल वहाँ तक पहुँचाएगी, बस ये सब चीज़ें रास्ते हैं। कहते हैं ना कि आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, तो दोस्तों ये जो बुक है वो स्मार्ट वर्क है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा इस वीडियो में, सिर्फ इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इस बुक को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है जहाँ आप अब जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।